कल हुई नहीं मैम क्लास, कोई आते नहीं। आज भी ऑफलाइन कोई नहीं आया हुआ, कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्या? चलो जी देखो जी, एग्जीक्यूटिव अकाउंट देखिएगा। लिखना जो टी डाइड एंड अमाउंट पेड टू द एग्जीक्यूटर इज, अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर इज, टी डाइड एंड अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर इज 1,21,000। 21,000 पेड इमीजिएटली, 21,000 पेड इमीजिएटली एंड बैलेंस इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट एंड बैलेंस इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 10% पर एनम, विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। और लिख लेना टी डाइड ऑन 1 अगस्त, टी डाइड ऑन 1 अगस्त, टी डाइड ऑन 1 अगस्त एंड ईयर एंड ऑन 31st मार्च, ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च। ये 1 अगस्त 2018 को मरा है एंड ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च को। तो जो इसके अंदर मेन क्या है, एग्जीक्यूटर अकाउंट कुछ कुछ लोन अकाउंट की तरह, लेकिन इसमें एक दिक्कत है क्या, जो रिटायरमेंट है आपके कोर्स में वो ड्यूरिंग द ईयर की नहीं थी, लेकिन यहाँ जो डेथ है ऑब्वियसली वो ड्यूरिंग द ईयर की होती है। तो यहाँ पे वो जो उसकी डेथ हुई है वो 1 अगस्त को ही है और ईयर एंड हो रहा है 31st मार्च को। समझ आया वो जो कि उसकी डेथ हुई है 1 अगस्त को और ईयर एंड होता है 31st मार्च को। तो टी की डेथ हो गई और उसे पे करना था 121, इमीजिएटली पे कर रहे हैं 21,000 रुपये और बैलेंस 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट है। जो नोट कर लिया आपने, क्वेश्चन नोट कर लिया प्रयाशा नंदनी, आर्यन, हाँ आर्यन नोट हो गया। हाँ जो देखो टी एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनेगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, टी इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अगर आप देखो जो अगस्त 2018 को उसकी डेथ हुई, एंट्री आएगी टी कैपिटल डब्ल्यू टी एग्जीक्यूटर, टी कैपिटल डब्ल्यू टी एग्जीक्यूटर 1,21,000, टी कैपिटल डब्ल्यू टी एग्जीक्यूटर 1,21,000। इमीजिएटली ऑन इज डेथ उसने कितना पे कर दिया, इमीजिएटली डेथ पे उसने 21,000 रुपये पे कर दिया। इमीजिएटली डेथ पे हमने कितना पे कर दिया, 21,000 रुपये पे कर दिया। अब जो देखो कितना रह गया, 1,21,000 था, इमीजिएटली उसकी डेथ पे हमने 21,000 रुपये पे कर दिया, कितना रह गया, 1,00,000 रुपीज़ रह गया। 1,21,000 में से हमने इमीजिएटली 21,000 पे कर दिया, कितना रह गया बेटा, 1,00,000 रह गया।
ये जो 1 लाख रह गया है इसे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है विद इंटरेस्ट, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है विद इंटरेस्ट। तो जी हाँ, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है जो 4 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। प्रिंसिपल 4 इंस्टॉलमेंट में इक्वल है 25 25 25। लेकिन अब देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, नहीं सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, एनुअल है, क्या लिखवाया था मैंने, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है, 6-6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट्स है, 6-6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट्स है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, इंटरेस्ट देखो जी 1 लाख का अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना बच्चों कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कितना लिखवाया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखवाया 10%। तो 1 लाख का 10% टाइम पीरियड 6 मंथ्स, 1 लाख का 10% टाइम पीरियड 6 मंथ्स, ये हो गया बेटा 5000 रुपीस, नहीं हाँ 5000 रुपीस। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी बनी, 30000 रुपीस बनी, पहली इंस्टॉलमेंट बनी बेटा 30000 रुपीस। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी बच्चों, सेकेंड इंस्टॉलमेंट बनेगी, अब बेटा आप ना अगली इंस्टॉलमेंट 25000 की पे कर दोगे 1 लाख में से, 1 लाख में से आप 25000 रुपये पे कर दोगे तो बैलेंस रह जाएगा 75 का, बैलेंस रह जाएगा 75 का, 75000 के ऊपर 10% टाइम पीरियड 6 मंथ्स, कैलकुलेट कीजिएगा 3750। फिर 75000 में से आप पे कर दोगे 25, यानी इंटरेस्ट हो गया 3750 का, ये हो जाएगा बेटा 28750 का। अब 75 में से 25 पे कर देंगे, अब 75 में से 25 पे कर देंगे, इंटरेस्ट लगाइएगा 50000 का 10% 6 मंथ्स, 1250। तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा 1250, ये इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 26250। क्या बेटा, वो फोर्थ पे लगेगा ना, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 25000 रुपये लगेगा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 25000 रुपये लगेगा, 25000 का 10% 6/12। ये गलत कर दिया गया ना, 2500 है क्या, हाँ ये 2500 है, ये 2500 होगा, ये 1250 होगा, ये 2500 होगा, ये 1250 होगा। इधर आया 27500, और इधर आ जाएगा बेटा 1250, टोटल कितना हो गया 26250। तो जो ये हमारी इंस्टॉलमेंट बन गई, ये हमारी इंस्टॉलमेंट बन गई है, ये भी आ सकता है जो क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट कितने बनेंगे, लेकिन इसमें दिक्कत है, अकाउंट में बताता हूँ क्या दिक्कत है, क्वेश्चन कैसे आएगा अभी, एक तो ये इंस्टॉलमेंट का तो आ ही सकता है कि कितने कितने अमाउंट की इंस्टॉलमेंट बनी। अब देखो जो 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट है, 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट है, गिनो 31 अगस्त से 6 महीने गिनो, अगस्त नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 31 जनवरी आया, 31 जनवरी को इंटरेस्ट ड्यू होगा, 31 जनवरी को इंटरेस्ट ड्यू कीजिए, 31 जनवरी को कितना इंटरेस्ट हुआ, पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 5000 रुपये, पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है 5000 रुपये, पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दो, पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दो, पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है, पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 30000 रुपये की है। अब जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे आ जाइए, अब अगर हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे आ जाते हैं
तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होगी? 6 महीने बाद। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होगी बच्चों? 6 मंथ्स के बाद। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, 6 मंथ्स कब बीतेंगे बच्चों? 6 मंथ्स कब बीतेंगे? 6 मंथ्स कब बीतेंगे? जनवरी से गिनो 6 मंथ्स, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 6 मंथ्स बीतेंगे 31 जुलाई को। कब बीतेंगे बेटा? 31 जुलाई को। लेकिन ईयर एंड कब होता है बेटा? 31 मार्च को। ईयर एंड होता है 31 मार्च को। यानी कि आपको जिस साल का इंटरेस्ट है उसी साल बुक करना पड़ता है। जिस साल का इंटरेस्ट है आपको उसी साल बुक करना पड़ता है। तो फरवरी मार्च का 2 महीने का इंटरेस्ट आपको यहाँ बुक करना है और बाकी 4 महीने का इंटरेस्ट आपको अगले साल बुक करना है। ठीक है, 31 जनवरी से 31 मार्च 2 महीने का इंटरेस्ट आपको यहाँ बुक करना है और 4 महीने का इंटरेस्ट आपको अगले साल बुक करना है। तो ये जो 3750 है, इस 3750 को ब्रेकअप करो 2 महीने में और 4 महीने में। ये जो 3750 है इसे ब्रेकअप कर दो 2 मंथ्स एंड 4 मंथ्स में, क्योंकि 2 महीने जनवरी से मार्च 2 महीने इधर लाए करेंगे, बाकी 4 महीने आगे लाए करेंगे। तो 2 महीने और 4 महीने ब्रेकअप करना हो जो 1:2 में ब्रेकअप कर दो इसका, इस 3750 के इंटरेस्ट का 1:2 में ब्रेकअप कर दो। करना हो जो कितना आ रहा है, क्योंकि 6 महीने का जो ब्रेकअप है 2 महीने जनवरी फरवरी मार्च इधर लाए कर रहा है और 4 महीने अगले साल लाए कर रहा है। जिस साल का जो इंटरेस्ट होता है वो उसी साल बुक किया जाता है। ये आ रहा बेटा 1250 और ये आ रहा है 2500। तो इंटरेस्ट 1250 यहाँ पे जो क्लोज कर देंगे टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए, टू बैलेंस सीडी कर दीजिए। टू बैलेंस सीडी करना हो जो कितना आ गया, 126, 127, 250, 127, 250, 71250। चेक करना जो यही आ रहा है। हाँ ले आओ, वो ले जाओ। 7 कितना आ रहा है बेटा? 76250। हरिओम मिल हाई मुझे। देखो अब आपसे ना आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकते हैं एमसीक्यूज में, कितना इंटरेस्ट 2018 में पीएल अकाउंट में डेबिट होगा, कितना इंटरेस्ट इस साल का बुक हुआ। हाँ जी, कितना इंटरेस्ट इस साल का बुक हुआ? इस साल का इंटरेस्ट बुक हुआ जो 6250 का। समझ आ गया जो? इस साल का कितना इंटरेस्ट बुक हुआ? 5000 प्लस 1250, इस साल इंटरेस्ट बुक हुआ 6250। समझ आ गया बच्चो? अब इधर कैरी डाउन उधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा, इधर कैरी डाउन उधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा, इधर कैरी डाउन उधर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। अब 4 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई को इंटरेस्ट ड्यू करो, 31 जुलाई को इंटरेस्ट ड्यू करें। 31 जुलाई को इंटरेस्ट कितना है बच्चों? ये आपने 2 महीने इंटरेस्ट था, ये 4 महीने इंटरेस्ट है। 4 महीने इंटरेस्ट ड्यू करेंगे भाई, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 2500।
अब बच्चों 31 जुलाई को सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, 31 जुलाई को सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, 31 जुलाई को सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए 28750, 31 जुलाई को सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए 28750। मुझे 6 महीने और बीतेंगे, 6 मंथ्स और बीतेंगे, जब 6 मंथ्स और बीतेंगे तो फिर से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू होगा, 6 मंथ्स और बीतेंगे फिर से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू होगा, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा 2500। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट भी था यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 महीने इसी साल लाए कर रहे हैं। ये हमारा 2019 था ना, ये 31 मार्च 2019, ये 1 अप्रैल 2019, ये सब 2019 चल रहा है। अब जो 31 जनवरी को थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, 31 जनवरी को थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए, थर्ड इंस्टॉलमेंट है 27500 रुपीज़ की, थर्ड इंस्टॉलमेंट है 27500 रुपीज़ की। फिर क्या होगा बेटा, 2 महीने और बीतेंगे बेटा 31 मार्च को, वैसे अगली 6 महीने बाद पेमेंट करनी है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद पे करनी है, 31 जुलाई को पे करनी है, लेकिन दिक्कत ये है कि 2 महीने इधर लाए कर रहे हैं, 2 महीने इस साल लाए कर रहे हैं और 4 महीने नेक्स्ट ईयर लाए कर रहे हैं, इसलिए आपको फिर से जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है यू हैव टू ब्रेक अप इंटू 2 मंथ्स एंड 4 मंथ्स, दैट इज 1:2, 1:2 में ब्रेक कर दीजिए बच्चों इस इंटरेस्ट को, 1:2 में ब्रेक करना, 1:2 2 मंथ और 4 मंथ में ब्रेक कर दो बच्चों, करना बच्चों कितना आ रहा है, हाँ जो करना जरा कितना आ रहा है, 417, 833, 2 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करो बाय इंटरेस्ट, 2 महीने इंटरेस्ट हो गया 417, तो ये हो गया 31 मार्च 2020, इधर 31 मार्च 2020, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, कितना आ रहा है टू बैलेंस सीडी, अब आ जाए टू बैलेंस सीडी आ जाए 25417, फर्स्ट अप्रैल 2021, इधर कैरी डाउन उधर ब्रॉड डाउन, इधर कैरी डाउन उधर ब्रॉड डाउन, इकतीस मार्च 2022, अब इंटरेस्ट ड्यू कर दीजिए 31 मार्च 2022, इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे, इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा 833 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, सॉरी 31 जुलाई को होगी, 6 महीने 31 जुलाई को हो रहा है, 4 महीने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, 4 महीने का इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, और ये हम पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए 26250, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए 26250। हमें समझ आई बात कि नहीं आई, हाँ जो हो गया समझ आ गया कि दोबारा कोई चीज समझाऊं,
एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे एग्जीक्यूटर अब क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने बताया कि भैया फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट बुक हुआ एग्जीक्यूटर में, या कितना पी अकाउंट में डेबिट हुआ 6250। आपसे ये पूछा सकता है फर्स्ट ईयर सी डी कितना है, मतलब एग्जीक्यूटर का ड्यू कितना है फर्स्ट ईयर के बाद, तो आंसर इज 76250। सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट बुक हुआ एग्जीक्यूटर अकाउंट में, ड्यू कितना हुआ, ठीक है, सेकेंड ईयर का बैलेंस सी डी कितना है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीयू में एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एक और करते हैं एग्जीक्यूटर, और क्लियर होगा ये। तो साहब जो सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, एक एनुअल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन करते हैं। एग्जीक्यूटर के बाद कल से हम शुरू करेंगे भाई रिडम्पशन और डिवेंचर्स। लिखिएगा बच्चों एक क्वेश्चन, ये लिखिएगा जेड डाइड ऑन 31 जुलाई 2018, अमाउंट ड्यू टू जेड इज 22,223, अमाउंट ड्यू टू जेड इज 22,233, 12,233 पेड इमीजिएटली, 12,233 पेड इमीजिएटली एंड बैलेंस इन टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च